मुंशी वालेकुम सलाम मैं फिर बह जा ओए मंजी ते बह रहे मेरे सिर ते बह जा ओरे कर उठा ओए सज्जा जनानिया ना होंदा खब्बा ओरे कर पेंडुआ नाल वाह पै गई है चल एला मिया ए तेरी फसल बनी हूं रुपया दी ते 800 रुपया तेरे से आए मुंशी जी किन्ने वीह रुपया बनया ओए ओ 40 वीह 40 वीह पर मेरे हिसाब ना ते 50 वीह बनदा है ओए हिसाब ना तेरा चलना ते ना मेरा ते फिर चलना किदा मुंशी जी ओए मालकां दा जिवें उहना कहया उस तरह ही मैं कर दित्ता एला फल ओए घर जाके गिनी पर मुंशी जी ओ फिर पर ओ बाकी मुजारियां दा हिसाब नहीं करना तेरा ही करदा रहवा उठ उठ तो मुंशी जी हर साल ताडा हिस्सा ते वधदा जांदा ते साडा घटदा जांदा मुंशी जी किसे ने बेईमान क्यों होंदा अपनी कबरे पैणा जे ओए सारिया ने आपो अपनी कबरे ही पैणा है तू की गौर करना वाला हिसाब लेके बह गया उठ उठे तो लख होवे ताडियां जमीना ओए अल्लाह लिखोंदा है बंदे दियां दित्तियां जमीना बंदा ही खोएगा अल्लाह ते देंदा है ओए ए की बनया मां 40 वीहां विचों भी 10 घट निकले नी तैन ते उस मुंशी की बेईमानी लगदी है नहीं पुत्र मुंशी नु कुछ ना कवे ओ ते बड़ा ही ईमानदार आदमी है ओदे दम नाल ते पिंड दी मसीत आबाद मां मैनू गलती नहीं लग सकदी उस खाना खराब दे पुत्र ने मैनू रकम ही नहीं गिणन दित्ती मैं हुण जाके पुछना वा नहीं पुत्र मुंशी नु ना पुछी चंगा मां तू फिर इना पैसा दी पोटरी बना ते मैं जाके 10 रुपये लपनावा ओ हलाल दी कमाई है गुआच नहीं सकदी बेबे एने बड़े रुपया दा की करांगे नहीं इना दा ते पता भी नहीं लगना चार फसलों की कमाई विच ते मसे तेरा पांडा टिंडर पलंग पीड़ा ते कुछ कपड़ा बने हाली ते जेवर रहिंदा है बेबे मैं ते कहनी है पहले पा दा विआह कर दे चुप करनी ओने सुन लिया ते मारे गई ओ ते कहंदा सी मैं अपने लिए सारा कपड़ा रेशमी लियाना है शरीक मेहने ते ना मारनगे भैन नूं सूतर तोल के ते डोली पा दिता है तू जा खंदूई लै आ इन्हां दी पोटली बना दईए सवेरे ओनू शहर टोर ले भाव हूं मैं चल लू ए की करन लगी है दे मान जामन बनन लगी हां ओ मेरे ते अभी 10 रुपए गवाच गए ने ते 2 रुपए भाड़ा लग गया 13 रुपए तो मेरी बांह ते बन दिता है दे एहो जी गल नहीं करेगी पुत्रा ए 13 रुपए तेरी वापसी तक तेरी हिफाजत करेगा हला ए ले दो वक्त दी रोटी इस पोटली च बन दीती है ओ शाबाश मेरी भैणे ले चंगा मां नाल मेरे लिए कल दी चूड़ियां जरूर लिया भी पा ओ मरण जोगी है सब कुछ तेरे लिए ते लियाना ने बस जरा तेरे हाथ पीले हो जान फिर मैं अपने माँ लई 10 थोड़े रेशमी लेके आवांगा नले कपड़े वाले को अजकल का फैशन पूछ के कपड़ा लिया ओ गल ना होवे मेरे धी दा दाज वेख के लोके कहन पेंडू वाले कपड़े ने नले छेती वापस आन दी करी ओ मां मैं उत्थे देर कद लई लानी है दो नहीं ते तिना दिना तक वापस आ जावा है ते तू मेरी वापसी तक मुंडे नु बुला के ना ते ओदी मां कोलो दिन जरूर मिथ ले आवे विआह दे नां तो किड्डा शर्माई वे तू खैर नाल वापस आ ले हार दे महीने तेरा विआह भी कर देंगे ओ चल एवें ते कर दी वे मान नाल सची आहो चंगा मां फिर रब रख मां एडे च रोन वाली केड़ी गल है खुशी खुशी तू भेजा तू सुटन लग पाई कुछ नहीं एवे ख्याल आ गया से तू लोटे च पानी रख मैं वजू कर ला नहीं मां जब तक तू मैं ए नहीं दसेगी कि तेन दुख कद है मैं तेरा खेड़ा नहीं उछाला तू सुन के की लेंगी तुझे भरा भेज के दिल भर आया से गल तो कोई नहीं अच्छा जे गल कोई नहीं तो खा मेरे भरा भी सौ मैनु बार आ जाएगा कसम तो मैं नहीं खाती तो फिर जरूर कोई गल है जेड़ी तेन दस नहीं पेगी तू सब मरीज नाल बह जाती है ते फिर मैं तेन उस मरीज की कहानी दसनी हाँ जिसे अंदर बह के मैं 20 साल तो रंडेपा पी कटनी हाँ हाँ है कदी तू कहनी है साडा प्यो जी हुंदा है हुण तू कहनी है रंडेपा पी कटनी हाँ तेरी केड़ी गल मननी है मां मैं ते उन्हें मोया होया ही समझ नहीं हाँ भावें उहदी मौत की खबर मेरे तक नहीं पहुंची पुत्रा नु टोर दिया ने ना मैं कदी पुत्र नु टोरिया सी ते ना मैनू कदी ओदी याद आई सी
आज पुत्र नु भेज के ते मैनु ओ वक्त याद आ गया। आज तो 20 वरे पहले मैं तेनु पुछड़ च लेके एक अंधेरी रात च ऐसे दलीज च बैठी तेरे पियो दा इंतजार कर रही सा, जेड़ा कई रातां तो घर नहीं सी आया कि एक सवार गली च आया। मां किन पी उड़ेक ले दीनिया, दे चौधरी का कुछ पता लगा है? पता ते लग गया, पर एहो जिया कि तैनू दसण दा हौसला नहीं पैना। खैर ते है, चौधरी ते खैर ना लेगा, पर तेरे लिए खैर नहीं होएगी। की होया होना की सी, और रसूलपुर दी हवेली च लाड़ा बन के बैठा है। ए नहीं हो सकदा, ए हो गई। ओ शहरों एक कुड़ी ब्याह के ओदी डोली अपने पिंड लाए ते तैनू यकीन नहीं आंदा? तू मौजा पे मानदा ते तू ओदी उड़ीक लाई बैठी है? नहीं, यकीन नहीं आंदा ते चल के अपनी अखां नाल देख ले। जिन्होंने मर्दा ने दूसरे व्याह की इजाजत दी है, मैं ते सिर्फ यह पूछन आई हूं कि मेरे च की ऐब देखा सही, मेरे को दुख पहुंचा सही, जेड़ा मेरी जिंदगी च मेरे से सौख लिया है। जवाब मैं कार आके देंगा, इस वेले तू चल जा। नहीं चौधरी, मैं उस वेले तिकर इस घरों नहीं जावगी जिस वेले तिकर सेरिया वाले ने मिलके ए ना पूछ लवा कि मेरे सुहाग दी चादर ते लाई सही, पर इन्हां दो बच्चों ने तेरा की कसूर किया सी कि मैं तो प्यो खो के शक्ल यतीमा वाली बना दिते छू। अंतर ना जाए, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। तेरे तो बुरा तो कोई भी नहीं है चौधरी, जिन्हें हसदे वसदे घर नू अपनी छोटी जिनी ख्वाहिश से कुर्बान कर दिता। तैनू मेरे कम दखल देंदा कोई हक नहीं है। हक क्यों नहीं है? मैनू व्याह के नहीं सही आंदा, मेरे निकाह नामे ते दस्तखत नहीं सही किते, मेरे हुकूक पूरे करन दी कसम नहीं सही खादी। तेरा हक तन घर बैठा मिल जाएगा रेमते। मेरा हक ए होई ते कि कल जड़ी मर्दा की समझ च नहीं आती, वे पैरिया रोटी टुकर का हक ते कुत्ते नू भी मिल जाता है। तुसी लोग दौलतां ते ज़मीनां नू औरत दा हक क्यों समझते हो? मेरा हक ते तेरे जैसी जेड़ा तू बंद दिता है, औरत दा हक ते मर्द दे प्यार ते हुंदा है जेड़ा तू तकसीम कर दिता है। मेरा हक ते खो लिता ही ज़ालिमा, पर इन मासूमां ने तेरा की बिगाड़िया सी जेड़ा दे प्यो दे तू दरवाजे ते बंद कर। बहुत ही बकबक ना कर रहे हैं, नहीं तो इन्हां दोवां नू प्यो दा एक टोटा भी नहीं मिलेगा। ये तुम ही बहुता वावेला कीता, मैं तेनों कागज का टुकड़ा वापस कर देगा। जिन तू अपनी तकदीर का परवाना समझ के इतों तक आ पहुंची, मैं तेन तलाश नहीं देगा। तू मेरी इज्जत खराब की थी, मैं कहना ना बच्चियां लिया के तो वापस चली जा। आज तो बात तेरी जबान से कभी गल ना आवे कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रह सके। खबर मिली सी कि तुहाडा प्यो नवी वाडी लैके शहर चला गया, उत्थे जाके उन्हें अपना कारोबार भी शुरू कर दिता है। खबरें अपनिया जमीना ते रहिंदा ते मैनू इथों भी किधरे होर जाना पैंदा। मेरे विआह तो बाद उन्हें मुंशी मुसद्दी सारिया ने जवाब दे दिता है। खबरें उहदा ख्याल सी कि पुराने नौकर मेरे ते तरस खा के उहदिया जमीना विचों मैनू कुछ दे ना दे। मां जी, सारे मर्द इहो जिहे हुंदे ने, मैं ते कहनी मेरा विआह ही ना कर। ये जरूरी नहीं थी, जेहो जिया मेरा नसीब से ओहो जिया तेरा भी हो। कुदरत का भी यही कानून है कि तियां घर नहीं बिठाई जांदियां। नाल जिस मुंडे नाल मैं तेरा व्याह कर रही हूं ना, ओदियां अपनियां भी तीन भैणां ने, तेरे ते सौकन लैण लगियां कम अज कम अपनियां भैणां वल जरूर तकेगा। मां जे कहानी तू मैनूं पहलां सुनाई होंदी ते रब दी सां मैं अपने वीर नूं कदी भी शहर ना जाण देंदी। चल हुण लम्मियां सोचां च ना पो, जा लोटे च पानी लै के आ, नमाज़ दा वक्त भी कदा हो गया। Oh!
ਓ ਮਲਕਾ ਓ ਮਲਕਾ ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਓ ਸੋਚਣ ਕੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਠਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੁਰੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ 5 ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬੈਂਜੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੈਜਾ ਤੇ ਸੁਣ ਮਿਸਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦੀਏ ਯਾਰ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਨਾ ਭਾਈਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਦਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇਹ ਐਲਾ ਪੜ 13 ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ 800 ਰੁਪਈਏ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 13 ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ 1000 ਤੇਰਾ ਲੋਗੇ ਤੇ 13 ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੇਰੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਜਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਝੁੱਗਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਓਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਕਾਨਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਬੁਸੀਆਂ ਉਜਰੀ ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਪੈਸੇ ਛੱਡੇ ਇਹ ਨੇਰੀ ਹਵਾੜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਵਾੜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੂਦ ਹੋਇਆ ਸੂਦ ਖੋਰਿਆ ਓਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਚਰਸ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜੂਆ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚਿਕੜ ਛੋਲੇ ਲਾ ਲਈ ਚੱਲ ਓਏ ਸੇਠ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਐਨਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਵਾਈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਦੂਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਕਰ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਬਾ ਜੀ
मैं अपने की ख्याल आ गया सी। बहुत ख्याल ना करिया कर पुत्र, जे तू इस दुनिया च बा मुराद रहना चाहनी है ते मेरी गल नू कन खोल के सुनिया कर ते मेरे जेन नाल सोचिया कर। मेरे को एक काम नहीं होना, खुदा दा वास्ते मैनू जहर दे दे, गोली मार दे, पर एक काम ना करा। तू समझ ले, तेनू जहर भी दे देती है ते गोली भी मार देती है, ते हुन तू नहीं तेरी लाश पे ही नचती है। मासी कदी मुर्दे भी नचे ने, तू ते मेरी मां दी भैण है, तेनू मेरे ते तरस क्यों नहीं आंदा? मैनू तरस नहीं आंदा, तू ही मेरे ते रहम खा, क्यों मेरे कारोबार दा बेड़ा गर्क करन लगी है। दस वरे हो गए ने तेनू अपना गोश्त खवांदिया, ते हुन जवान होके तेरा जमीर कित्थों जाग पिया है? लो नी गा खाया जे, तुसी संभालो ते मैं अजे गैरत दी संगी कुटनी आ। चल उठ बैठिए, नहीं चल उठ, नहीं नहीं चल, मैं कह रही मैं के मेरी रानो फरमाओ, तेनु पवे कानो जरा कुंडी मारते, जरा मासी नु वास दे। जे बहुत ही गल्ला ना कर लूलिया, तू मासी नु की कहना है, मेरे नाल गल कर। कुंडी मार तेरे नाल ही गल कर लेने हैं। हला हाय 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 हाय, मैं क्या खैर है, आज उतला तड़ बड़ा आकड़े आया। एक ते वर्गिश कीती है, हला दूसरा तेन दसने आ, आ हमारे पीछे चलो। फरमाओ इन अंदर दाए बाए कर, चलो नी कुड़ियो तुसी सारी अंदर, सानन दो जियां नु इत्थे रहन दियो। चल चल चल। अजरा जी तेनु निकले खसरा, दरा साडे कोल ते बहो। वे तेनु निकले माता, तेनु निकले पिता। की किया? कुछ भी नहीं, कोल ते मैं बह जानी है, पर कोई सवाल ना मारी उतरिया। ते होर तेन गोली मारनी? ते गोली वजे तेनू, मेरा मतलब ए वे जे कोई गाक लेके आया ते सिर रखा ते, जे कुछ मंगन आया ते इना टुटिया पैरा ते बाहर निकल जा। क्यों की गल? गल ए वे आज मेरी मासी बड़ी गरम है। क्यों आज हीटर ते बैठी रही? बहुती बकवास ना कर, जे ओने तेरा मुंह वेख लिया ते ओने तेनु चुक के बाजार दे विच मारना है। सीख पाओ कर दिते हैं, अन्नी वेखदी नहीं, अज जमीन ते नहीं सोवे ते बैठा कड़म करके। पता लग गया मैनू, ते तू ए सोचदी नहीं मैं फकीर बन के आया, ते मैं सोच रहा मैं इस घर दा जवाई बन के। हाय हाय हाय, की के? कुछ भी नहीं, किधर गया? ओए बटुए बटुआ, ठहर जा, एक पौंचे दे विच। मैं क्या पौंचे च बटुआ? आहो बाली जदों दी जवान होई है, मैं अपनी अखां आसमानी ते गोडे जमीन ही लाए बैठा। वे टुट मरनी है, तेनू मैं जवान नजर नहीं आंदी। ओ गिटके, तू ते मैं नजर ही नहीं आंदी। ओ गल ते सुन, तेरा ते जवाब ही नहीं। दस हुण इस दिल दा मैं की करा, जेड़ा दिने राती बाली दे लई धड़कदा रहंदा है। ईमान नाल वे मेरी मन्ने ते दिल दे विचों बाली नू कढ दे। क्यों? इस लई उहने तेरे आन तों पहले नचण तों इनकार कर दित्ता है। किसे तमाशबीन ने कोठी दा लाली ते नहीं देता? वे नहीं, वो कहंदी है पवा मैनू गोली मार दियो, मैं नहीं ये काम करना। फिर मासी ने की जवाब दिता? वे कहना की सी, खिजदी तुरुंदी अंदर लै गई, बेचारी कदों तक लड़ेगी। पहले पहले साडे नाल भी इस तरह ही होया सी, मैं तो इथों नस भी गई सा। किदे नाल? वे किसे नाल नहीं, अखीर भुख दे टेके आए, फिर वापस आना पै गया। इस तरह बाली दी गैरत दा बुत भी किसे दिन टुट जाएगा। अड़िया पैसा बड़ी वड्डी शै है, तू अपने आप नू वेख ले। इस दरवाजे ते तू रुपया तेली मंगन लई आंदा सी, अज तेरे कोल 100 दा नोट आया,
तू भी तमाशबीना मंगो इतने चौड़ा होके बैठा है। वो की तकरीर शुरू कर दियो, खाना खराब दिए पुत्रे, 100 दा नोट मैं तेरे प्यो का चुराया सी, इन्हें दोवां नौवां दी कमाई है। मैं भी ठीक कहनी पई है। अजरा तू भी ठीक कह बई, तेरी गल इस लूले दे ज़हन च आ गई। वाकई इस दुनिया च पैसा बड़ी चीज है, भी बड़ी चीज है पैसा। किन्नी रकम सी ते किथे गवाई हूं? तेरा घट 800 रुपया सी। पता नहीं किथे गवाच गया, सवेर दा लब लब के फावा हो गया, जिन्हें पूछना वा हस के लग जाता। आप जी तुसी भी हसन लग पा। मैं हसिया इस वास्ते, ये यकीनन तेरी हलाल दी कमाई होएगी जेड़ी गुआच गई है। ओए वेखे ना, ये ते वो जमाना है, हराम दा माल ही फलदा है। ओए ठीक आ कह दे आप जी, रब दिया दुपहर ते वर दे पसीना दी कमाई सी। मतबल महकमे च दाखिल हो गया। मैं एक गल ते दस, इस शहर च कोई वाकफ है ही? कोई ना है? वाह, ओए इथे को रहन की जगह है ही? कोई ना। बचे खुचे पैसा है? जे कोई नहीं तो वापस चला जा। ओए पलिया हो ही ना होवे कि ते अगले तैनू अबारा गद्दी च फड़ के हवाला ते बंद कर दे। अब मेरे को तो 100 रुपया ते और कुछ नहींगा। जे मेरी मां ने मेरे शहर टोल लगे, मेरी बाल बनया सी ते आख्या सी, पुत्र ये 100 रुपया तेरे बाकी दे रुपया भी पालन करेगा। बस मैं समझ गया, समझ गया। मैं उरे फड़ा दे मैनू 100 रुपया उरे, और मैं तेरे रहन दा खान दा सौन दा वस्तु बंद करा जाके। आफसी जिथे मेरे ते इन्ना तरस खा रहे हो, मेरे लिए सवेरे मजदूरी दा बंदोबस्त कर देना। मैं पैर दा तेवर खरीद रहा बगैर पिंड नहीं जा। मैं इंज लगता तू वापस नहीं जाऊ। ओए भलिया लोका, ओए तेरे जे सीधे बंदे दा इस शहर च गुजारा नहीं, ते जे तू गुजारा करना ही ते फिर तेन झूठ बोलना पेगा। ओए दिल दी गल लुकानी पेगी। ओ किस तरह? ओए है मत बड़ी नहीं समझदा पिया, और मैं कोई संस्कृत बोलन दिया? पूरे फड़ा 100 रुपया मैनू किथे रखे है लिया? शावा चे ते ऐठी बैठी। अच्छा आ जामी ना। ओए मारो, तू ते बड़ा सेहतमंद है, इंज लगता मालशी है तू। किधर है मेरे को खीरी सवाई की जाए? इलंदीना ओ कौन है भाई? ओए गामिया तू? सलाम अलैकुम। ओ वालेकुम सलाम। मैं क्या हूं पछाणता भी नहीं सानू? लै भाई ये किस तरह हो सकता? इलंदीना गल ही गौर नाल सुन वाली। अच्छा, मैं एक मुसाफिर घेर के लिया तेरे लिए। मुसाफिर? आहो, ते ओदी डब्बे च तोड़ा ही नोटा दा, नोटा दा तोड़ा। नोटा दा तोड़ा? आहो, रात गुजारन लई थां लभदा फिरदा सी। अच्छा, फिर उत्थे मार रोड ते होटल है ना, होटल ओ वड्डा। आहो, की ना ओदा यार? ओए ओ ते पढ़िया लिखिया नूं भी नहीं आउंदा, उत्थे बहरे नाल झगड़न दिया सी। अच्छा, ओ अंदर नूं वड़े ते बहरे बाहर नूं खिच्चण, ओ इस गल्लों भी उहनूं तहमत बन्ने आया सी। आहो, ते मैं उहनूं पता की किया? मैनूं इह किया भी तूं इलमदीन दे होटल ते चल, उत्थे तैनु कोई तकलीफ नहीं होएगी, उत्थे भावे तू तहमत बन के भी ना जावी। चल तुर। मैं टुरते पवां, पर तू कदा डब खिस्सा भी टोके वेख्या सी? की चलियां गल्लां करन दे बेइलम दीना। ओए मैं ते सुन के दस दिया भी बंदे दी डब च किस किस्म दी करंसी है। 100-100 देने, 10-10 देने, 5-5 देने, 1-1 देने, 24-48 ते मैं लिफ्ट ही नहीं कराउंदा। अच्छा भाई, पहले मैनूं इह गल दस, मैं तदी मनांगा कि तू मेनू दस मेरे हाथ च की है। हाथ उचा कर ले। एक एक दे लोट। ओ मन गया भाई तेनू। चल तू एक मिनट ठहर जा। अच्छा
पूरी गल सुन ले कन खोल के। अच्छा देख जिन्नी देर इथे रवे ते जो कुछ खान नू मंगे दई जावी ते दमड़ी ना मंगी ओदे कोल। ओए ओ क्यों? ओ इस वास्ते भी जांदा पता नहीं तेनू की कुछ दे जावे, खौरे फाए दे जावे। हाय ओए आहो मेरा मतबले वे भी एने नोट दे जावे तेनू भी तू को बंदा ही मार सुटे। चल तो आजा सदके जावे। चल खिदमत ना करांगे ते पिंड विच जाके की कहोगे कि शहरी बड़े ही पादी खिलाफ हुंदे ने। मियां जी खुदा तुहानू इहदा आजर देवे, साडा ते शहर विच वाकफ ही कोई नहीं, तुसी ना आउंदे ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਣਨਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਜ਼ੇਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜੀ? ਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਝਾੜਾ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ? ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਠੀਖਾਨਾ। ਕੋਠੀਖਾਨਾ ਹੈ? ਕੋਠੀਖਾਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੀ ਏ? ਉਹ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਖਸਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇਸ਼ੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 32 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਗਾਰਤ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਰਾ? ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮਾਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਚੀ ਕੁੜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿ ਡੇੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇਂਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਂਦਾ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਤਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹੂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੀ ਟੋਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਓ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਮਾਲਦਾਰ ਏ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਏ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
मैं इस गुनाह का कारोबार करनी हूं। मैं इसे लिए कुड़िया नू जवान किया सी ते जड़ी रास पूंजी सी इन्हां कुड़िया दे जवान करन ते ला दित्ती है। बाकी कुड़िया ते मेरा हाथ हुना दिया ने एक इहो ही नाम मुराद है जड़ी मेरे आंखे नहीं लगती। ओए एनिया बड़िया कुड़िया तेरे आंखे लग गईयां ने एक नहीं लगती ते छड़ सू परे एदा किते शरीफ घर विच ब्याह कर दे। बाकी थोड़िया ने तेरा एक टिड भी भर सकदी आ। एडियां नसीहतां जो पे करदे हो मैनूं ते तुसीं भी शरीफ आदमी लगदे हो। जे तुहानूं एडी हमदर्दी है इहदे नाल ते तुसीं इहदी बाह फड़ो ते नाल लै जाओ। मैं नाल लै जाऊं। ए भी जान नूं तैयार है फिर इतराज मैनूं भी कोई नहीं। पर जो मैनूं पालन ते खर्च कीता है ओ दे जाओ ते इहनूं लै जाओ। ना बहुती है ना बहुती खैक है। पर मैं इहनूं किथे लै जां। तुसीं इहदी शराफत ते जिंदगी वेखना चाहुंदे हो ना इहदी कीमत दे दिओ तेनू गुनाह दी जिंदगी विचों कढ लवो। यह तो दो हरफी गल है। जे बदनामी दा दाग अपने मत्थे ला सकदे हो ते ला लवो। जा कुड़िए जे साडे आखे नहीं लगदी ते शरीफ आदमी आया होया है तेनू अपनी दास्तान सुना तेनू कहो तेनू इस चिक्कड़ विचों कढ लवे। मेरिया चीकां सुन के ते आ गया से चौधरी ते जे मेरा दुख सुन के सोची पै गए ते इत्थे की लैण आया से जा मैनू मेरे हाल ते रहण दे। की ख्याल है चौधरी साहब नेकी करन दा इरादा है या यरक गए हो। नसीहत करन आए सो। और मैं तो चंगा भला थले बैठा सा कुड़ी दी चीकां दी आवाज सुन के ते उत्ते आया वा। मैं समझिया रात गुजारी है। ओए तौबा तौबा बाऊ असी गरीब परदेसी तंदूरां दे सौण वाले असी इत्थे किथे रात गुजार सकने। रब भला करे उस अन्ने फकीर दा जिन्हें मेरे ते तरस खा के ते मैनू होटल विच जगह दवाती है ते बहू होटल दा मालक मैनू अमीर समझ के मेरी खातरा पिया करदा। पर बहू एक गल ते दस ऐ तेरे कोल सारा गुनाह दा कारोबार पिया हुंदा है तू कुछ नहीं कर सकदा। इहदी वजह तैनूं फिर किसने दसांगा। ए हुणे दस तू जा बली फिर दसांगा। तू ते जलील होके आ गए ते मैं हले जलील होने लई खलोता वा। जा शाबाश। नहीं नहीं कुछ इमदाद लेनी चाहना है जी। नहीं गल ए वे तुसी बुरा ना मनाओ ते मैं दसा। बुरी गल ते जरूर बुरा मनावांगी। गल बुरी ते नहीं गल ते बड़ी चंगी है। ते फिर की चाहना है जी। मैं एक कहना चाहना के जरूरत नहीं पैंदी। ओ समझ गई हां। अब्बा जी अगे सिफारिश करानी चाहना है। तुहाडे अगे सिफारिश करनी है किदी। अपनी की मतलब। जी मतलब ये कि मैं कहना ही चाहना कि तुसी मैं अपना अपना ड्राइवर रख लो। पहले ड्राइवर नु क्यों कर दिया उन्हें की जुर्म कीता है। कि मैं गरीब हाँ। मैं समझ गई हाँ। मैंने पता तू 3 महीने तो अपने फ्लैट का किराया नहीं दिता। यो ही कहना ना अब्बा जी नू कि 2-4 महीने होर नहीं देंगा। हाँ मैं कह दिया। करो शॉपिंग दे बहाने आई हां। अच्छा
अल्लाह खैर करे, मौला खुश रखे, अल्लाह बहुत आदरे जी। ओए अल्लाह ने तगे बहुत कुछ दिता है, तू कोई नवी दर हड़ा फिर अल्लाह पहला भी खोला जी। मेरा मतलब है भी अल्लाह ये जोड़िया सलामत रखे। ए ले फड़ एक रुपया। ए एक रुपया की? पांच रुपए दे। ओए ले फिर पांच रुपए फड़। ठीक है आओ चल। ठीक है ठीक है। ओए खैर होवे मेरे चौधरी, ना सलाम ना दुआ, सिर सुटिया है जे। की गल है, उदास क्यों हो? सानू कोई खिदमत दसो। चित्तर बटेर मुर्ग। और चुप कर जा मिया, मैनू तो इंज लगता मैं आप ओ चित्तर हां जिहदा किसे ने खंभ खोह लैणा। खैरी सलाह, की खबर सुन के आए हो? खबर की सुननी सी, उस कुड़ी ने मेरा सिर च बल दी सुआह सुट दिती है। हूं समझिया, किसे नु दिल दे आए हो? ओए उठे ते बढ़िया कुड़िया ने, केड़ी ते रीझ गए हो? ओए रीझना की है मिया, असि ते अपनी नजर च आप काटी देनी रह। मैनू ते इंज लगदा मैं इंसान नहीं हैवान हां, जानवर हां। ओ जानवर जिहड़ा किसे दे काम नहीं आ सकदा। गल खोल के करो, शायद असी तुहाडे किसे काम आ सकीए। चौधरी साहब, ओए मिया तू किसे दे की काम आना? तू ते आप लोकां दे बोझ टोंदा फिरना। ओ साडा ते कारोबार ही इहो जिहा चौधरी साहब, तुहाडे वांगर नहीं। इधर फसल वेची ते इधर 10-20 हजार रुपए बोझे च पाए ते शहर विच तमाश भी नहीं कर। या फिर किसे मुकदमे की तारीख भुगतना आ गए? ओ कैड़ी तमाश भी नहीं ते कादी तारीख? मैं ते शहर पैर दा जेवर खरीदना आया सा। ओ खरीद लिया जे, या अजे रकम बोझे विच? रकम? अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। आ भाई माजिया हाजिर हो गया। माजा जमीन दोस्त, और सुनाओ सब खैर? ओ यार मैं तेनू किधरे वेख्या है। आहो ठीक है। ओ यार मैं तेनू किधरे वेख्या है। तू मैनू हीरा मंडी दी घाट दी रेड़ी ते वेख्या? लै वेख्या। ओ यार यकीन कर मैं तेनू वेख्या है किधरे। ओ तू मैनू किथे वेख्या चौधरी? ते नाल फकीरां दी शक्ल किनू याद रहंदी? ओ मैं बदामी बाग दे स्टेशन तो उतरिया सा ते तू मैनू मिलिया सा। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਖੋ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਨ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਮੰਨ ਨਾ ਫੇ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਰਾ ਜੀਏ ਜਿੰਦਰਾ ਜੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ? ਉਹ ਮਾਜੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹਾਫ ਸੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ? ਬਸ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ। ਆ ਬਾਈ ਮਾਇਆ, ਖਾਨਾ ਟੁੰਗਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਸੀ? ਓਏ ਆਹੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਗਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਸੁ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਪੇ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੇਗਮ ਦਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ? ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ? ਬਸ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਗੇ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈ। Thank you.
की गल है मां तेन नींद नहीं आती रब खैर ही करे रमजू अजे तिकर नहीं आया हूं तो गड्डी भी कोई नहीं आती एडी डरन वाली करी गल है वो कोई बाल तो नहीं है का? मेरा तो दिल पिया घबरा है कुड़िए उन्हें लोगों को की जवाब देंगी जिन्हें तेरे विह की तारीख लैन आना है की पिया कहना गामिया मैं ठीक पिया कहना यार तू मन ले और मैं उन्हें नाल वेख्या तू वेख्या और तू तो मैनू डराई देता सी अन्या की करना मेरे मसूड़े भांदन लगा सर और वड्डे अखां लिया मैं उन्हें दुआ नू उन्हें अखां नाल वेख्या जिहड़ियां अखां मेरे कन्नां दे विच फिट होईयां ने ओए पागला मैं तो दूरों सुन के दस दिया भी किहड़ा बंदा तुरे आउंदा क्यों चिट्टा झूठ पिया बोलना है काली जबान वाले मानो ते बड़ी शरीफ कुड़ी है ओए दौलत वाले ते सारे शरीफ हुंदे ने चलिया बदमाश ते गरीबां च हुंदे ने या गैरत वालियां च ते नाले वेखे ना भई अमीरां दे ऐबां नूं ते लोक आजाद ख्याली कहंदे ने रब दी सौं में सच कहण दे जे तू ठीक कह रिया गामिया ते गलत मैं भी नहीं पैकी यकीन कर तेरे शायर याद दी जिंदगी बेकार हो गई लिहाजा ओ भाई लिहाजा मेरी गल सुन तू मजनू बन के ते इश्क करी जा अगों डोरी अल्लाह दे इख्तियार ते नाले वेखे ना भी उस गरीबनी नू की पता है भी तू बीए पास करके ते तके खान दे है बंदा तके खांदा होवे ते डिग्रियां भी साथ नहीं दिंदियां मैनू ते डर है जे मुंडा किसी अमीर आदमी दा पुत्र होया ते अपना पत्ता कट्टे ही समझ की भेज वेखना चलियां लियां गल्लां करन दे है ओ तू ए मेरे ते छड दे हां तू बस दो चौं दिनां च नस भज करके ते नौकरी लभ लै उधरों नौकरी तेनू लभी ते मैं उस मुंडे नू विचों इंज फड़ के बाहर कट देना कमीने नू ते फेर वेखांगे की बनता है ओए मैदान तेरे हाथ ही अल्लाह दी मेहरबानी है मैं ते मोहब्बत करनी जानदा गामिया मैं ते कहना तू भी कोई चक्कर ना चला जबरदस्ती भी कदी किसी नू किसी दा बनाया जा सकता है तू अपने प्यार च मैनू की मशकरे देन दे है तेरे ते अपने ते बनी नाले मैं सब कुछ जानना मैं कुछ 40-50 इश्क कीते ने हौली उम्रे ओए इत गड्डी खड़ोण दी आवाज आई लै तू रेस्ट कर ते मैं जरा थल्ले चक्कर लावां बिजनेस ठेठा जी की गल है नेहा रस्ता रोके खलोता है ओ जी मैं तुहाडे नाल बड़ी लाजमी गल करनी जी तू की लाजमी गल करनी है तेरे किसान जो सही मैं तेरे अंदर करा दिया ओ जी अंदर भी करा लिया जी तुहाडे फायदे की गल है मेरे फायदे की गल है आहो जनाब तुहाडे जेरे साया रहने ते तुहाडे फायदे की गल करनी है ना ओ बाकी बात है ओ जी जनाब मुंह छोटा ते वड्डी गल है जी मैं ताड़ी तीन गैर मुंडे दे नाल प्यार दिया पिंगा बता दिया ओए की बकरे हम नहीं जी मैं अपनी अखा दे नाल वेखे जनाब ओए तू अखा नाल वेख ले ओए ते झूठ तेरा होई फड़या गया मैं तो अंदर करा देगा ओ जी भावे मैनू फांसी ला दियो शेर साहब जी साडे कान ही साडियां अखा आउंदे ने मैं उहनां नू गल्लां करदे सुणिया ओ तू मेरी तीवी आवाज किसा पछाणना ओ जी मैं ताडे पैरां दी आवाज सुन के पछाण ली सी भी शेर साहब ने ते इसे तरह उहनां दी आवाज भी पछाण लैणा ये झूठ होया तेरी सजा जानने मैं सारे खतरे सोच के आया जनाब जे मेरी गल झूठी हुई तो मैं शहरों कढ़ा देना ते जे मेरी गल सची हुई तो इनाम की दोगे और जे तेरी ये गल सची हुई तो तेरी हर गल सच समझा करांगा इनाम मैं तुमको नहीं देना हाँ इनाम किन्ने देना ते किन्ने लेना इनाम असी ते शिकायत लाउणी सी लाती कसम की खानी है पूछो कोई गल नहीं लुकावांगी आज कॉलेज गई है जी घबरा क्यों गई इसे वास्ते कहना पहला कसम खा इसकी जरूरत नहीं अब्बा जी मैं आज कॉलेज नहीं गई ते दोपहर तक किथे रही सी असलम ने सैर करती रही हां बानो एदा मतलब है मेरी इतना ठीक सी ए असलम कौन है किदा पुत्र है की करदा ते तन की जा सकदा मेरा क्लास फेलो है अब्बा जी
शहर के बड़े बड़े ठेकेदार का पुत्र है ते बड़े अच्छे खानदान तो ताल्लुक रखता है। शहर का केड़ा ठेकेदार है जिन मैं नहीं जानता? उसके पिओ का की नाम है? पूरे नाम का तो मैं नहीं पता, पर सेठ हल्ला वाला कहते हैं। सेठ हल्ला वाले का पुत्र है? बस जाने ना पाए। कितने जाने ना पाए अब्बा जी? अब्बा जी बस हमें मुंह गल निकल गई। सेठ हल्ला वाले ने कौन नहीं जानता, मैं तो समझना तेरे नसीब भी चंगे नहीं ते मेरे भी। जे तू मैं सब कुछ ना दसनी हो तो हमरे मैं की कर देता। अच्छा इस गुस्से के दिन जानते हूँ असलम आवे तो उनको भी मैंने मिल लवे। मैं तो समझिया सा तू तो किसी गरीब ने प्यार कर बैठी। जे वो सेठ हल्ला वाले का पुत्र ना निकलता तो मैं उन्होंने अंदर करा देना सी। जोश मारिया जी चौधरी साहब। मैनू तो आप नहीं पता मैं क्यों आ गया। पल्ले कुछेगा जी ते अंदर लंघा, नहीं ते इन्ना पैरें ते वापस मुड़ जाओ। इसलिए कि तुसी देर ना लायो ते मैं लोका दा दिल बहलाउण दा फैसला कर लिता है। चंगा नहीं कीता बालिए, चंगा नहीं कीता। ठीक ही कीता चौधरी, मैं अपना मुकद्दर बुझ लिया है। मैनू पता लग गया है कि पैसे दे बगैर दुनिया विच कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी पता लग गया है कि साडा रोना किसी इंसान का हौसला नहीं बढ़ा सकता, पर साडे हसन नाल लोकां दे हाथ साडे वल जरूर वध सकते ने। मेरे वल की बिट बिट तकी जा रहे हो? की दसा बालिए, सीएच पुल के उत्ते आ जाना, औकात याद करानी है ते वापस चला जाना। ना उत्ते आने तकलीफ करो ते ना वापस ज्यादा सदमा उठाओ। लाला जा मां मर जा दी 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 आदर मार मुजी तो वे 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 प्राजन जी राले वे कुकम न क्या ले वीरा मेरी गाल सुन। वे
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਈ ਭਲਾ ਦੀ ਜੀ ਬੇਜੀ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਅੜੀਏ ਕਿਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆਈ ਐ ਘਰੋਲਿਆ ਨਵਾਬ ਬੇਜੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਵਾ ਇਹਨੇ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਜੀ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ ਮਾਲਾ ਸਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾ ਲਾਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਦੌਰੂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਗਾ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਰਟਾ ਕੇ ਆ ਸਿਰ ਅਮਰੂਦ ਖਵਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਹੱਥ ਹਲਦੀ ਮੋਢੀ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਅੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੱਕੜੀ ਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਉਹ ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਓ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੀਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਗਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਜੇ ਇਹਦਾ ਝਾਕਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁੰਨਾ ਖੋਲਦੇ ਆਓ ਰਮਜੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹੋ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚੱਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅੱਲਾ ਖਾਰੀ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੂ ਬਾਊ ਜੀ ਹੈਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਭੈਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਪਵਾ ਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਾਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਲਦਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਤਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਉ ਜੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪਲੀਏ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡ ਖਲੋਤੀ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਜ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਗਰੇ ਰੁੜ ਗਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਖਾਂ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਛਡਾਓ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਬਾਊ ਜੀ 50-60 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਓਏ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਈ ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਐ ਵੇਖ ਤੇਜ ਕਰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰੇੜੀਓ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਓਏ ਅੱਡੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂ ਓਏ ਤੂੰ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਓਏ ਬਾਊ ਸੋਚਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਗੱਡ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ 1920 ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੀ ਖੁੱਸਿਆ ਗਈ ਓਏ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਓਏ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਓਏ ਪੇਂਡੂ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰ ਲਓ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿਆ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜੂ ਖੁਦਾ ਦਵਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਓਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਓ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਓਏ ਆਹੋ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਪਟੈਸੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਓਏ ਮਾਰੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਥਾਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰੇ ਵੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
मेरी गल सुन, असी मां ने तेरे किसी होर काम से ला देंगे, असि हूं बहु होटल को जाकर 5 रुपये ला के गाड़ी का किराया दे देंगे, सानू माफ कर दे। तेरे असी बरादरे खुरदा, असी तेरे रनाला खुरदा, हूं ना गुस्सा कर, आ जा बह जा, आ मेरा चौधरी आ जा, आ जा जाइए किस तरह की चल चेक लाइन गुलाम आंदा गां हो जा रूल ना जाए थले। हां शेर साहब लहंगा माफ करना, आना तो मैंने चाहिए सी, पर जरा मसरूफियत की वजह नाल मैं तुम्हें टेलीफोन करता कि तुम आ जाओ। कोई गल नहीं, अगर तुम कारोबार मसरूफ हो तो मैं कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ये रईस भी इसे सिलसिले तशरीफ ले आए हुए हैं, ये शेख अब्दुल्ला ने, लड़की मेरे लड़के की क्लास फैलो है, कुछ शर्माउन की लोड़ नहीं शेख साहब, धियां पुत्रां के रिश्ते भी किसी कारोबार तो घट नहीं होंगे, ये की शक है, कारोबारी उही कवा सकता है जिहड़ा दुनिया की हर शह नूं कारोबार की अख नाल वेखे। कल मिल के बहुत खुशी होगी, अजला शांति उठे मिलो फिर साडे टोर देखो। इतने अल्लाह की देन है जी, एडे एडे वे बंदे इतने बैठे हुए, मैं तुम्हें भी किसी को घट नहीं समझता, मैं किस काबिल हाँ जी, मेरे को जो कुछ भी है वह सब ताजे पुत्र है, मैं तो ब्लैंक चेक साइन कर दिना, असि थे वो तो मरी गया है, कुछ काम है तो ट्रंकार करा। नहीं नहीं, ट्रंक आउट करने की जरूरत है, तुम मैंने तो मरी का नंबर दे दो, जो कोई ऐसी जरूरी गल होगी तो मशुरा कर लेंगे। वो की मशुरा करना है, ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
तदबीर तकदीर दी रवे बांधी अकलां वाले बेचारे की करन जोगे एक बूटे दे फल दा ढेर लाओ कुछ निकलनगे उत्ते तरन जोगे चंगे दाने चा विकदे हथो हथी हमंदे रह जांदे गलन सड़न जोगे मर्दी रब दी गाक दा ना लगदा मेरी गल नहीं मन दे मरन जोगे हाय हाय बहुत अच्छा आशिक है भी तू हर वेले होके ही पर्दा रहा कर यार तेरे इस तेनी भी जरूरत नहीं है भी वो कुड़ी ने गाल ही कर ले बस शेर लिख लिखा के ते पढ़ पढ़ा के तसल्ली करता रहना अपनी वो मैं कहना उहदे नाल खुल के गल ते कर नहीं मूंह च पा लैंदी तू यार होके कुछ नहीं कीता ओए मैं ते बथेरा कुछ करता फिरना यार ऐ वेख मैं ते तेरे लिए मुछे जिहड़ियां रख लिया पर कुड़ी दा प्यो बड़ा ही बगैरत है यार मैं एडा लम्मा बगैरत कदी नहीं वेख्या अपनी हयाती च यार मैनू तेरी गल किसे किसे वेले सच्ची लगती है गामी अच्छा कि दुनिया सिवाय पैसे दे कुछ नहीं का दरअसल यार मैं गरीब आदमी हाँ ते मैनू अपने आप ते ही यकीन नहीं है मैनू तुहाडीआं गल्लां ते यकीन नहीं आंदा असलां दा प्यो तुहाडे नाल इस तरह सौदेबाजी नहीं कर सकता मैं उहदे कोलों घट नहीं रहा चेकबुक मैं उहदे सामने सुट दित्ती सी उहदा कल्ला पुत्तर है तुम्हें ते मेरी कल्ली धी है ना असलम उत्थे नहीं सीगा असलम ते मरी चला गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਠ ਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫੋਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਮਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਬਾਨੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੁਕਾ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੱਸਿਆ
ते फिर मेरा की बनेगा? ते फिर मैं आनु कुछ कुतारियां कर दा। ਡੋ ਬੰਬਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ ਗਈ ਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਈ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਾਬਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਢ ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਓਏ ਚੱਲਿਆ ਬਊਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਹਮਜੂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਬੱਕੇ ਲੈਣ ਡੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਊ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਊ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅੱਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤ ਆ
जे अगों तो सोचना वा तो हनेरा ही हनेरा नजर आता है। खुदा हाफिज फरीदा, अगली इतवार मैं वापस आ जाऊंगा। जे अब्बा जी की टेलीग्राम ना आती तो असं दोनों कट्ठे ही जाते। साढ़े तलका का मां पता लग गया सर, तू जिस तरह भी हो एक दिन वास्ते अपने अब्बा जी साढ़े घर भेजी। तू कोई फिक्र ना कर फरीदा, मैं तेनों रोज टेलीफोन करा। जिस दिन गल पक्की होगी या तो मैं आप आ जाऊंगा नहीं तो अब्बा जी की आने की तेन सलाह कर देंगा। वेखी देर ना करी असलम, असं प्यार के मामले च इन्ने अगे बढ़ चुके हैं कि मेरा दिल डरता है जे साडा ब्याह जल्दी ना होया तो क्यामत आ जाएगी। तू तो पागल हो गई है फरीदा, अच्छे खाते पीते घर की धी है, क्यामत तो मुसीबत गरीबों वास्ते होंगे ने, तेरे मेरे वास्ते नहीं होंगे। अच्छा खुदा हाफिज़। I'll be coming soon. बांदा मेरी गल सुन के जा। मैंने पता लगा है तेरे अब्बा जी तेरी मंगनी पे कर देने। मंगनी मेरी पे कर देने? तेरा राज खलोन दा मतलब? मैं अज अपने दिल दी गल दसन लई खलोता था। तू कौन है मैनू दिल दी गल दसन वाला? तेरी अचुरत किस तरह होई? बानो अज मैं अपने दिल दी गल दसया बगैर तेनू नहीं जान दिया। मैं तेनू प्यार करता हूं इन्ना प्यार जिन्ना तू अपने आप नू भी नहीं करती होगी। मैं कहनी हां मुंह संभाल के गल कर, नहीं तो आवाज दे के अब्बा जी नू बुला लांगे। अब्बा जी की आवाज देके सारी दुनिया भी इकट्ठी कर लवे तो मैं झूठ नहीं बोला। बालो ये ठीक है मेरे को पैसे नहीं है, ये भी ठीक है तेरे अब्बा जी तरस खा के मेरे तो किराया नहीं मांगते, पर ये भी ठीक है मेरे तो ज्यादा प्यार तेन दुनिया च कोई नहीं दे सकता। अपनी हसीयत का पता ही लग गया? हसीयत कोई नहीं तो मैं तेरे को आया हाँ, हसीयत होंगी तो तू मेरे को आना सी। मेरे रस्ते चो हट जा नहीं तो शामों पहला जेल चोवेगा। हूं कि आजाद पिया फिरना वा? मैं कहनी मेरे रस्ते चो हट जा। मेरे प्यार से यकीन कर ले, हट जा। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੈਨਕ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਓ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਓ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 200 ਰੁਪਈਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈ, ਬਾਕੀ 50 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ ਲੈ। ਫੇੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆਣ? बक बक ना करो, मैं पूरे पैसे लवा। ओ अच्छा बाबा पूरे पैसे ले ले, क्यों बहुत गलत खान लग पे हैं? ओए माजिया मैनू एक गल दस हां कि तू एडा जालिम आदमी हो के ओए तो क्यों तरस खान लग पे हैं? इस गल्ले के दुनिया साढ़े ते तरस खान दी ते असीं भी रोटी खाने। वे ना मैं लूले कुत्ते वांगू लगा फिरना दुनिया मेरे ते तरस खांदी, और मेरा भरा गामा बगैर बत्ती लगा फिरदा दुनिया उत्ते तरस खांदी है, और साडा ते कारोबार ही तरस ते चलदा, कोई तेरे वांगू चस्त ते नहीं चलदा। ते इसे तरह है साडा रमजू यार, यारो बे मददगार है। गल सुन, जे तेनू हाले वीर ते तरस नहीं आया सारी उम्र पा ही नहीं संगते। देख ओए मंग दे शर्मांदा ते मजदूरी उन्हें मिलती नहीं, की करे कह दे। हां चंगा उन्हें आख दे इस होटल का कल तू नौकर है, मैं मान नहीं। अच्छा जी सेठ साहब बड़ी मेहरबानी। हाय किड्डा शौक तेन सेठ बनन दा, क्या बुढ़े संतरे वर्गा मुंह है तेरा। भूल गए रब नू लोकी पैसा पैसा कर दे, पैसे दी खातिर ने जूंदे पैसे दे ले मर दे। कोई लख करे इनकार दुनिया पैसे दी ए यार, कोई लख करे इनकार दुनिया पैसे दी ए यार, कोई लख करे इनकार। पैसे बिना न थूकन जंजा,
दिया पैन न डोली पैसे बिना न मुर्शद लभिया सारी दुनिया फोली सब परखे वारो वार दुनिया पैसे दी ए यार कोई लख करे इनकार हल करदा हर मुश्किल पैसा ते ऐबानू तकदा हल करदा हर मुश्किल पैसा ते ऐबानू तकदा रब ते नहीं पर सोए रब दी जो चाहुंदा कर सकदा जीना ए दे बाज बेकार दुनिया पैसे दे ए यार कोई लख करे इनकार पैसे दी डोरी ते ऐथे हर कोई पिया नचे इको रस्से फाए लग गए कि झूठे कि सच्चे कि पागल कि होशियार दुनिया पैसे दी ए यार कोई लख करे इनकार दुनिया पैसे दी ए यार दाल गोश्त पालक गोश्त आलू गोश्त कीमा मटर करेले गोश्त ते वाल गोश्त ते विग मसाला की ले आवा जनाब जाए पहले दो तीन गिलास पानी ले लिया अच्छा रोटी भी मंगा लांगे अच्छा यार मैं ते अपनी बीवी दा जेवर बेच के भी बेगम ताई नहीं खवाता ओदे नाल जिवें भी गल कीती ओ कोई पल्ला ही नहीं फड़ांदी एहो ही कहंदी है कि पहले मैनू बाली दीआं वागां खिंच लैंदे फिर गल करा यार साडा मुल्तानी यार तीसरा कितने गया मैं असला लैन वास्ते भेजी है हमें आ जाए इसे बहाने कोठे चलांगे ते बेगम ताई कोल बैठ के जिले भी मौका मिलिया सारिया इंसाफ करा के ते बाली ने चुप के ले आवांगे बिल्कुल ठीक है वाह मेरे यार जाए खाली गिलास और लेके आ खाली गिलास की करना जनाब ओए असी आज शराब पीना ऐस होटल में शराब पीना मना जनाब तू कोई नवा नौकर लगना वे जानदा नहीं साडे वास्ते किसे होटल में शराब पीने ही मना नहीं जाए तैन भी खुश कर दिया एक गिलास का पानी डोल दोगे तो खाली हो जाएगा मैनू ते कोई बेवकूफ लगता है जाए ओए जा एक सौ रुपया तेन थमावगा जे बाली तेन सीख पा करने की कोशिश करे ना तो आसा वह नोट उन्हें थमा दी जे फिर भी बोले तो एक डांट ला दी नहीं यार नहीं खबरदार हो रोन की कोशिश ना करी यार ना तो मैं डांट ला सकना ते ना मैं तेरे को रुपये लैने मुफ्त मुफ्त मेल करा सकना तो करा दे मुफ्त मुफ्त ये मेरी उम्मीद ही लगती है बाली मैं जा देते मैं अंदर आ जाऊं तू अंदर क्यों आ गया चौधरी हाली ते लोगों के आने का वक्त भी नहीं होया मैं तेरे नाल दो गल्ला करना आया जे आखे ते कर लो जे आखे ते चला जाऊं पर तू आया किस तरह ते मासी ने तेनू रोकया क्यों नहीं मासी को मैं पूछ के आया वहां उन्होंने तेरे नाल गल करन दा 500 रुपया दिता है
पांच भी हाँ कहती सी गाना शुरू होने तो पहला पहला चला जाए मैं क्या अच्छा जी मासी नू मेरा टाइम वेचन का कोई हक नहीं पहुंचता वो सिर्फ गाने का वक्त वेच सकती है सौन बहन का नहीं अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी ले तू भी अपने टाइम दे पैसे ले ले पर मेरे नाल गल्लां जरूर करी पैसे बोझ इस पाले ते इत्थे बह जा अच्छा जी ते वेखी मेरे नाल दो हरफी गल्लां करी लम्मियां कहानियां ना पावी हाय रब तेरा भला करे बालिए चौधरी पलंग ते बह जा नहीं नहीं बालिए मेरी इन्नी हैसियत नहीं पलंग ते तू फिसाई जानी है गल ए बालिए तू पहले भी जिन्नियां गल्लां कीतियां सन रब दी सौ ਰਾਵਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਫੇਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੂੰ ਨਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਭੁੱਲੋ ਬਈਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਾ ਹੁਣ ਬਾਲੀਏ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਪੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਹਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਓਏ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲਿਜਾਣਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਖੋਲਸ ਬਾਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਖ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਮਜੂ ਓਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਬਸ ਪਾਓ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਓਏ ਉਹ ਚੱਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੂਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਕਾਟੋ ਫਿਰ ਨਗਦ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਟੂਆ ਬੜਾ ਦੂਰ ਗਿਆ
दिल्ली ना क्या फिसे हो कि वर्गा मूह है तेरा खबरदार काम कर दे मैनू पत्रकार लगा पर चीज चंगी बन गई क्या सदके दी श्री वर्गा मुंह है तेरा आ टोटा रह गया तो लूला भान यार ते जवान आदमी है ते है मर्दी निशानी बाकी रहने ए गल आहो यार जा फरेश कर जा दफा लो लड़न आए ते टेंड करा के चला गया पागल दे पुत्तर ऐसी बाली तू अंदर जा ताड़ी बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब आज साड़ी इज्जत रख लीजिए रब ताड़ा भला करेगा ते हुन तुसी जाओ जी चंगा जी ऐ मैं अपनी पग ला लूं झगड़े तो बाद तेन बहना चाहिए जी तो बड़ा करता यार पर मैं शर्म जी आ गई क्यों तेरे सहुरे का घर से नहीं यार तू तो नाराज हो गया यार मेरा मतलब सी जिवें मैं उन्होंने बदमाशा मार के उत्थे खलोता रहा ना तो इंज लगना सी यार जिवें मैं अपनी गैरत खान का मुल वट रहा तो उंज भी किसी से सान करके ना उत्थे नहीं खलो रही था आहो दौड़ जाना चाहिए फिर माहौल कर लग पैना मैं भी अंदरों जलील होकर दिखाना बीबी घुंडते ला रमजू यार तू कि सीधा बंदा है माजिया मैं आहो मेरिया पूजिया जी करता यार दिल विच जो कुछ तेन दस दे तेरे दिल दसा भला यार तू मैनू कुछ कहेंगा ते नहीं तेन की आखना मैं तो अगे तेरा बड़ा मशहूर यार डरना वा कि तेरे लत मार के मेरा दूजा टायर भी पेंचर ना कर दी नहीं करता तू गल दस अच्छा मैं जेड़े तेन पैसे देंदा रहा ना वो तेरे ही सन मेरे सन बल्कि तेरे वड्डिया के सन याद ही बदामी बाग का स्टेशन तू मैनू मोढ़े ने चुक के पुल पार कराया सी पेंडू को बचा ला मैं तेरा मतबल नहीं समझा समझदा क्यों ने मैं तेरी गंढ कप ली ते अल्लाह तेरा भला करे ओ 13 रुपया कट 800 निकले सी 400 रुपया तू लै गया 400 बाकी मेरे पैसे कट मेरा ब्लाउज पार दिता यार की करना छट तू मेरे पैसे कट मेरे बाकी जो पैसे ना तू मैं थोड़े थोड़े करके दे मैं बाली गल करके ना मुकाई जाऊंगा
हाय वाली तेनू कर दे कि खाली ओ श्योर आई विल बी कमिंग दिस सैटरडे आई विल बी स्टेइंग एट सेसल ऑलराइट ओके हेलो ओ बानू ओ मेरा टेलीफोन बिजी सी मैं एक दोस्त ना ट्रंक कॉल कर रहा समरी तू कितों बोल रही है कौन जो अच्छा मैं समझा करूं बोल रही है सुन तू कॉलेज के बाद मेरे वाल क्यों नहीं आ जाती सैर वास्ते निकलेंगे मैं वादा कर रहा तुम शाम तो पहले कर छावगा अच्छा आएंगी ना आई एम वेटिंग फॉर यू ऑलराइट ओके सब कुछ पता लग गया पहचान लिया कि मैं पहले वाली फरीदा नहीं रही हूं मैं वापस घर जाना भी जगह नहीं जा सकती इसलिए मेरे को पैसे ले लै किसी होटल कमरा ले लै मैं शाम तेन मिलन आ जाऊंगा तू मैं पहले भी मरी छाया हूं मैं तेरे इतवार नहीं करा असला जे तू इस तरह कर दी रही तो तेन पता है नतीजा की होगा जिस दिन को औरत डरती है वो आ गया असला तो हूं मैं किसी नतीजे किसी अंजाम को नहीं डरती मैं तेन कहना इतों चली जा मेरे अब्बा जी आने वाले ने एक तो मैं चाहनी हाँ वो आ जाते उन्होंने सामने भी तेरी किताब खोल के रखते हैं कर फरीदा चली जा तेरे हक में बुरा होगा मेरे लिए इस तो बुरा की होएगा असलम मैं तो नहीं जावा कि पावे मेरी गोली मार दे ओ, मैं तेन कहना फ्री तक चली जाओ निकल जा ए कुड़ी कौन है तेन टिके क्यों कह देना बानो तू अंदर चलना एक जरूरतमंद तो बड़े गलत वक्त आई है जरूरतमंद इस तरह टिके तो नहीं देई दे की गल है भैन की जरूरत है तेरी मैनू दस मैं तेरी जरूरत पूरी करनी है पहला तू यह दस कि तू ये की लगनी है तो फिर मैं तेन दसागी कि मैं पूरी करना आई हूं मैं दी पर तू यह सवाल क्यों किया एदी वजह भी एदे कोलों ही पूछ पैन जिन्हें मैं जरूरतमंद जाहिर करके अपना वो डंग लुकाने की कोशिश की है जिदा जहर मेरे बदन च फैल चुका है मैं जरूरतमंद हाँ पर चोली भरन नहीं आई एदियां वो मेहरबानियां दसन आईया जिन्हों की वजह नाल मैं बच्चे की मां बन वाली बानू बानू एक फश औरत है एक जुबान से इतबार ना कर एक झूठ बोलती है मेरे ते इल्जाम लगा के मेरी दौलत से कब्जा करना चाहती है अपनी दौलत लुटान वाले ने भी कभी किसी की दौलत से कब्जा किया है भैन जी ने मेरे वांगू तेरे नाल प्यार करने का वादा किया है सास निभान की कसम खाधी है तो तेन तेरी इज्जत की कसम ही आने इतबार ना करी जे मेरे वांगू लुट चुकी है कल परसों तेरी वारी भी आने वाली फरीदा देखे भैन ये मैं जानता नहीं तेन मेरा ना कि आता है बानू मैं तेन कहना तू मेरे इतबार कर झूठ बोलती है बकवास ना कर चुप कर जा मेरी गड्डी च बह जा भैन मर्दा लिया तुटकारियां हुई औरतों अगर कोई दूजी औरत सारा ना दे तो फिर वो किधर जाए आ मेरे नाल ये तेन जो कुछ कहेगी झूठ है तू मेरे एक पास में कसम खाना जिदा तुम सारे किराएदार हो पर तू उथे की लग गया था बहू दिन वाले फिर तुर के मजदूरी कर लेना तो रात में होटल से बर्तन मांजना वा तू आपे ते आख्या सी पल्ले माल हो गए ते हर पसूड़ी कटी जांदी गामिया हाँ। तेरा की ख्याल है तू ठीक है आहो बाऊ अनु गल ए वे पी ए वे पेंडू पेंडू इहदी अखां बड़ियां तेज ने ए कोई शहरिया ते नहीं ना पी दिहाड़ी च 20 चेहरे वेखे ते शाम नूं भुल भुला जावे ए खबरदार गामिया मैनूं पेंडू ना आखी हुण मैं शहर च आ गए मेरे नाल ट्रक थल्ले आ जा है अबे बदुआ देण लग ओए इक ते उहने इन्नी चंगी गल सुनाई है तू बदुआवां पे देना दे यार इन्हें करना तो दुआवा लै और नहीं मैं तो एवं वेखना मखौल कर दिया हसन दिया
आना रहन दे दे कोली कौड़ा तेल लाएगा आ सार के दिया अखा च पान वास्ते मेरे डेलिया ने सपाटे लाने ए रमजू ठीक कहंदा पेंचर मोटरसाइकिल खंबे तो उतराया मेरा फ्यूज मैं तो तेन दूरों आदि देख लिया थी मैनू पता गामिया खड़कने तेरी नजर बड़िया तेज ने तू दूरों बंदे नू पछाण लैन आहो तू ही बहुत तेज भजना है मैं वेखण दिया तां हड्ड वांगू चौकड़ियां भरदा तुरिया आउणा है ओ शुक्र रब दा मैं ते दुआ करना कि रब करे कि कुल जान तेरे मेरे वर्गा हो जाए ओ की बाबा मलाई यार हां मन याद आ गया तो रमजू ठीक कहंदा ओ तू मेरी गल किस तरह सुन ले ओए मैं दरीजा जी केकड़े वांगू चौकड़ी मार के बैठा सारीयां गल्लां सुनना पिया सा हां ते मैं तसदीक करना कि पेंड का बयान बिल्कुल दुरुस्त है एक गल होर सुन लो अद्धा घंटा पहले मसेड़ दी धी नूं एक नवी कुड़ी नाल गड्डी चों उतर के कोठे ते चढ़ देने ओए तेरे मुंह च क्यों शकरण माचिया ओए दिमाग चानण कर दित्ता ई खबर सुना के ओए इस चानण चों कुछ लब्भेगा के ऐवें खुश पे हुंदे हो ओए लब्भेगा ओ ना लब्भेगा ते समझ लेना के अपना शहर चैंपियन बदनसीब है मैं कह माचिया एक गल मैनूं समझ च नहीं आई केड़ी ओए नवी कुड़ी विच कित्थों टपक पई ओए होणी कित्थे टपके अंब दे पुत्तर तैनूं की इस गल ओ पर उहनूं उत्ते क्यों लै गई ओ किधरे ओ प्यू तीर हल क्यों दी संगी ना कुट देना ते कुट दें तेरी ओ फुफे दी असलम नु कहना सी एदी गिच्ची कुट देंदा इनू खाडे छोड़ देंदा इनू कुछ भी कर देंदा पर तैन नहीं सी चीजा तो नाल लेके आनी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता तू इस बदनामी दे दाग नु मेरे कारज लेके आ सी दा प्यू बन के सोचो अब्बा जी जे होई वारदात मेरे नाल होई हुंदी ते बाहर बंद कर बानो तैनू मेरे नाल अपनी गल्ला करदे हया आनी चाहिए तन्नू हया ते बेहयाई दा की पता अब्बा जी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਅਸਲਮ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ मेरा ख्याल है उन्हें ताड़िया नफरत भरिया गल्ला सुन लिया ने मैं ते कहनी है जाओ तेनू लग के लिया नहीं ते मेरा ताड़ा कोई रिश्ता नहीं हल कर दा हर मुश्किल पैसा ते ऐबानू तक दा हल कर दा हर मुश्किल कौन जनाब मैं तो किरायेदार इतने की लैना है सेठ होरी कितने ने किराया देना सी कार नहीं गए सवेरे दे जाई तो जे सवेर तक मेरे को खर्च हो गया तो खर्च हो जाएंगे तो ना दई ना दया ये किस तरह हो सकता है मैं तो कहना तुसी रख लो अगे इन्ने महीने किराया नहीं दिता तो आज किस तरह ख्याल आ गया कोई नौकरी मिल गई हो आहो सेठ अल्लाह वाले को मुलाजम हो गया वा उन्होंने पुत्र है ना असलम उन्हें सिफारिश की तरस खा के तू उन्हें को नौकरी छड़ दे मैं तो अब्बा जी को नौकर करा देंगी तुहाडी उन्हां दी कोई दुश्मनी है दुश्मनी की होनी है बस ऐवें बंदे चंगे नहीं है तुहानू चंगे बुरे दी पछाण हैगी तेरा गल पूछा मतलब है वे के दौलतमंद ने इस वास्ते इज्जतदार ने कुछ साडी तरह बेसीते ते नहीं ना हैगे जो आसानी नाल उन्हां विचों ऐब कढ़ लओगे मैं कहनी है चला जा इत्थों अब्बा जी आणगे ते फेर आवीं चला जाना वा पर एक गल दस दिओ मेरीआं गल्लां ने तुहानू परेशान कीता है कि पहलां दी इस तरह तो मैंने इन्हीं गल्लां करन वाला कौन है खुदा दा बंदा वा ते खुदा दे बंदे नु प्यार करना वा गरीब हां अमीरा कोलो सड़ना वा मेरे की पेश पै गए एड्डी नफरत चंगी नहीं हुंदी एड्डा तीर होना भी चंगा नहीं तीर ते मैं तुहानू वेख के हो जाना वा बड़ा मजा आंदा है चाड़ा खाने च बकवास बंद कर चला जा तू मिस साहिबा मेहरबानी पर एक गल याद रखना बंदा बंदे दा दारू हुंदा है कदी तुहानू मेरे नाल किसी वेले किसी किस्म दा कोई कम पवे सही फिर वेखो असी किस तरह खलोने आ तू मेरी गल मन्नेगा हां तो फिर खुदा दा वास्ता ही चला जाए तू तुहाडे मुंह खुदा दा ना शुक्र है भाई शुक्र है
जे अल्लाह नु मनन लग पाया तो एक दिन सानू भी मनोगे। लाओ फिर अस्सलाम वालेकुम। बानो इस तिरंगा इतने की लैन आया किराया देन आया सी। तुसी दसो फरीदा का कुछ पता लगे? मैं लाहौर के सारे होटलों ही लभे है, सारिया सड़क का मारिया ने, पर किधर नहीं लभे। तुसी उन्हें जान के नहीं लभा होना अब्बा जी? मैंने तेरी कसम है मैं उन्हें बड़ा लभिया। चल उठ सवेरे सारे थाने इतला कर दियांगा। चल उठ मेरी बीबी थी, उठ के कपड़े बदल लै तो फिर सौ जा। अच्छा तुसी जाओ अब्बा जी, मैं सौ जानी हाँ। चला पुत्र। फिर कुछ बनया कि नहीं? ओए बहन ते जा दस दे, हर वेले मालका को डरते जंदा है। बह जा। अच्छा सीर ने मेरे वल तक के एडे एडे आने कट ले। पहला तो मैं बड़ा घबराया, फिर मैं सोचा इन्हें साडा की बिगाड़ लेना। ठीक है यार, मैं हैगा ते बेवकूफ इदी की शर्त। पर तैनू जरा कुड़ी ने आख्या ना कि किराया वापस लै जा, यह कोई चंगी गल की। पर मैनू ते बाली ने एक बार भी नहीं आख्या। रमजू तू गाने दे पैसे ना दिया कर। आहो तू उन्हें बचपने से कटांदा रहे हैं। फिर माहौल कर लग पे। देख मेरी गाल सुना बांगे, मैं तेरी किसी गल से यकीन नहीं करता। वेना जिस तरह तू उस कुड़ी की इज्जत बचाई है, उन्हें तेरा प्यार हो जाना चाहिए सी। कामिया तू भी कुछ बोल, बड़ा बुझे गैस मुंह के पासे पे है। मैं खे माजे है वो तेरे मुंह जो बंबी लगी है तू बोली जा बोली जा। अला वैसे एक गल है, गल बड़ी पुख्ता की है। वो सिमटेड कहो सिमटेड। आओ सिमटेड। वो मैं क्या, मैं तो खुद कई फिल्मा चे किस्सा वेखे खुद नाले सुनिया। आंदे भी वेखना तू बड़े गौर, अल्लाह ने तेनू बड़े नैन परैन दिते। तू भी बहुत तेज भजना बाबे रब दी तेल है। हाँ मैं तेनू ये दस रहा सा, फिल्मा चुका ना फिल्मा च। आहो ये कुड़ी मुंडा जदों इश्क मोहब्बत प्यार का तरीका कार लभदे है ना, ठीक है जी हीरोन होंगे ना हीरोन। हाँ वो पकड़नी से तुरी जाती है पावे तिलक पावे। लै ला तू थमाच की लग गया बाबू, छिड़का हो जाता पागल ला हो जाए कल छोड़ गया। हरा हरा तो तुरी जाने उतो आई ने गुंडे उदी बीनी फाड़ लेंदे आ। ठीक तू रौला पाउंदी है चीका छड़ दिंदी आ। हां उधर हीरो फसल काट रहे। अच्छा ठीक उन्ने सुनया भज्जा आ गया उथे आया जदों ते फैट शुरू। अच्छा ए फैट शुरू ए फैट खत्म लड़ाई चल तो मेरी बड़ी जान जाती है, शायद लोग है गया। ओए भलिया ओए आर्टिस्ट आदमी है कि ओदे गिट्टे च बैठ लगा और ओदे हक च बैठ जा। हां ते बहु शहर मैं कह रहा था कि जिस वेले मशरूक चुके जाए ना उस मौके ते ते चूहा भी पूछल ते खलो जांदा, तू गैरत किवें नहीं खाएगा। ओए हां हां ओए मैं ते कहना बंदा अजकल मां भैन तू गैरत खावे ना खावे मशूक तो गर्मी जरूर खा जांदा ही। बिल्कुल ठीक कह जी, बे मशूक भावे हीरा मंडी च क्यों ना बैठा होवे। और यार छड़ो भी। अच्छा ऐसा मौका आया तो देखी जिठी जाएगी। मैं कहना चुक ले आवांगे क्यों गामे। मैं कहना मराई दी ना फैट होवे ना फैट। हां ते बंदा मैनू फड़ा दे ते फिर देखी मैं ओदा कीवें लोटा चिब्बा करना। ओ गल ते सुन कोई, असी पांजले बाजार च लड़ना था ओ कर। ओए ओए मैं क्या मराई दी ना। ओए होटल च तू बड़ी चौंकड़ी मार के बैठना। फिर च मेरा की कसूर है, कुदरत ने चौंकी बजी। मैं क्या मराई दीन साहब की गल है गुलाम अली खान साहब, ए चाह का ते बस्तो बंद करो। मैंने पहले पता से तेरी तो आखी अखा दस तेन चाह की लोड़ है। और रमजू जा जा के चाह लिया लिया लिया। आराम नाल बा ओए कट मेरे पैसे। चल चल जे बौरे करे ना कट। ओए अगे ना की छड़े मेरे तो रो पाए तो मैं नौकरी भी छड़ देंगे। ओ गल सुन बठला, ओ नौकरी छड़ देंगा तो उस चामची थनु किवें मिलेगा। खबरदार है कि मेरी बाली नु चामची दखे। अब बाऊ मैं इस वास्ते इत्थे आया सी पिंडों।
छाल मार के वेख लिया वो तो भी सवाल लगा सानू तो आए मासी दिया चाणा तू तू मर दो के चाणा तो चल गए मैं ते मारा नहीं परवाह नहीं की नाले तेनू की पता होगा पेंडुआ मैं ते सौंदी ऐसी गले हां कि तू खाबा चाणा होंदा है असी खाबा च आवांगे कि साडा कुछ बनेगा भी तेनू ते मेरी मजबूरियां दा भी पता है फिर भी गिला करता रहने मेरे को बहुत मजबूरियां ने तेनू जवान भैन घर बैठी गई मैं बगैर तो इतना की हो गया तू पिंड क्यों नहीं चला जाना तेन इस दोस्त भी छड़ के मैं पिंड किस तरह चला जावा मैं मेरे पैरों में संजीरा मत्थे गालक लगी हुई है जिन्हों तेरे घर वाले नहीं तो सकते तू एडा मासूम एडा सिद्ध है कि मैं तेरे से तरसान लगती है Thank you.
ਭੁੱਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਫੁਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਨਰਗਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ ਬਨਾਤੇ ਹੋ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਸਟਾਈਏ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁਲਸਰਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਾਨੂੰ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੈਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੌਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ
गुफ्तगू की होनी सी। असलम भी हमें जो सिर्फ लाल पिले इस गले उड़े सन कि वह सेठ थल्ला वाले का पुत्र है। मैनू कह लगे कि जे तू असलम ना शादी करने तो इनकार किया तो मैं तेन जायदाद तो आह कर देंगा। पर एक गल दस अमर, जे अब्बा जी ने मैं जायदाद तो आह कर दिता तो फिर तेरा इरादा की होगा? मानो कहनी जायदाद की गलती, मैं तो कहना वा मैं हमने बाजार जाके तेन एक जोड़ा खरीद के ला देना वा। मुझे दो कपड़े भी अपने प्यो नूं वापस कर दे। मैं कोई तेरे प्यो दी बिल्डिंगां ते पैसे नाल ते प्यार नहीं किया, तेरे नाल प्यार किया। ते नाले जे जायदाद तेरे कोल रही ते मैनूं ते व्याह करके भी सारे इलाके हामिद दे तेरा इस्तेमाल करन दी जुरत नहीं आउणी। ते नाले लोक तैनूं मेरे नाल फिरदियां वेख के पता की कहणगे? मैं तैनूं दस नहीं सकदा। ना ही दस के चले। तू बड़ी चंगी है। नहीं, तेरे जिनी चंगी नहीं। मैं छड़ दे अंदर, मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ आदमी समझी सा। आदमी ते शरीफ ये किस तरह हो सकता है? अच्छा हुन मैं जान दे। ले ले जान, पर जान ना। तू तो वादे ही जाना है। तू क्यों कट कर जानी है? कोई रिश्ता तो नहीं? अल्लाह मियां ते वेखदा ना। ओ बानो ओदी गल छड़, वो ते इस दौर जो जो पिया देखता है। तौबा तौबा, वो तो ही हौसला है। प्यार दा तू बाबजदा दूरू देखिया दिल नहीं रजदा रमजू पौंदा हाड़े ओ सुन दे सारे बलिए चल पिंड नू चलिए बलिए चल पिंड नू चलिए लूलू प्यार दा तू बाबजदा दूरू देखिया दिल नहीं रजदा रमजू पौंदा हाड़े ओ सुन दे सारे बलिए चल पिंड नू चलिए बलिए चल पिंड नू चलिए मैनू पुछदा नसीब किथे जावां बजदे हत्थ ऐ गुहार जो करदा ऐ प्यार ते मैं रुसे होए यार नू मनावां ना मैं दिल दा गरीब ना मैं यार तू करीब मैनू पुछदा नसीब किथे जावां बजदे हत्थ ऐ गुहार जो करदा ऐ प्यार ते मैं रुसे होए यार नू मनावां की परवादा कल दा अजदा हुन बहुता तोड़ा नहीं सजदा रमजौंदा हाड़े ओ सुन दे सारे बलिए चल पिंड नू चलिए बलिए चल पिंड नू चलिए मैं आवा दिल चीर के वखावा दुखी अपने सुनावा तेनू हीरिए तेनू आवे इक बार फेर कर नहीं चार करी कौल ते करार बे पीरिए जे तू आखे ते मैं आवा दिल चीर के वखावा दुखी अपने सुनावा तेनू हीरिए तेनू आवे इक बार फेर कर नहीं चार करी कौल ते करार बे पीरिए मन लतरला साड़ी लजदा रमजू पौंदा हाड़े ओ सुन दे सारे बलिए चल पिंड नू चलिए बलिए चल पिंड नू चलिए खुले झूठियां दे बैर इत्थे सच्चियां ते कैर पवे रब दा इत्थे पैसा माई बाप इत्थे नेकियां ने पाप इत्थे अपने नू आप नहीं लगदा
ਸਜਦਾ ਬੇਜਤਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਗੱਜਦਾ ਰਮਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾੜ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਲੂ ਲੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੂੰਗਾ ਵੱਜਦਾ ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਰਮਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾੜ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਠ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਮ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਬਾਨੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲਮ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਬਾਨੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸ ਖਾ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਹੁਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ ਮੈਂ ਰੱਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗਾ ਦੱਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚੀਖਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਰਮਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਰਮਜੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇਕ ਆ ਵਧੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ
कुड़ी है रमजू जिन्हें कतल किया है ते मैं इन कॉल दे बैठी हाँ कि मैं दी जान बचावांगी जे तेरी थां ते कोई होर बुआ खड़कांदा ते मैं कदी नहीं सी खोलना केस बेचारी नूं कुछ हो गया तेरा बच्चा रुल जाएगा एदी कहानी नूं मैं तेरे को बहुता जानना वा बाली तू कॉल ना भी दिता होंदा ना ते मैं फिर भी सच्चियां समझना सी तू अपने बच्चे लई जिंदा रहेगी भैणा ऐ पिस्तौल मैनूं दे दे भैणा ते तू बेफिक्र हो जा तू पिस्तौल रख के की करेगा तू इन लुकाई रखी इस पिस्तौल मैं लुकाई रखा इन तेरे ते मेरे सिवा किसी ने नहीं वेख्या तू सिर्फ इन उस मासी नामराद को बचाई रखी ते पुलिस के हाथ मैं ये तिकर नहीं पहुंचन दिया यकीन कर बैठे हो कातल मैं ही हाँ असीं पुलिस वाले हैं कोई मजरूमी नहीं भी बुझ लीए इसे तरह हालात वाकयात तो मुजरिम लभ लेते मैं मुजरिम जरूर हाँ पर मेरा जुर्म सिर्फ इन्ना है कि मैं गरीब होकर एक सेठ दी धी नाल प्यार किया है यह भी ठीक है कि असरम नाल मगनी का दुख मैंने भी होया पर हुण वह मर गया वो मुताले कुछ कहना तो नहीं चाहिए इस रिश्ते के टुटने मरण वाले की अपन करतूत का हाथ सी मेरा नहीं असलम ने साडे वाल बंदे भेजे असा उन्होंने मार मार के नसा दिता यह भी ठीक है सब कुछ ठीक है पर यह झूठे के कतल मैं किया झूठ सजदा फैसला तो अदालत ही करेगी तू शराफत नाल दस दे कि पिस्तौल लिया कितों सही छिटिया कितने मेरे से यकीन करो थानेदार जी कि असल मुजरिम लभन की कोशिश करो अवर खान ला यार हाथ खड़ी इस तरह नहीं दसना इन हाथ कड़ी ना लाइयो थाने द्वारा ये बेगुना ही कौन है तू पेंडू पेंडू ही रहा तो चंगा समझू तू इतने गिना गया कौन है ये बांगा बांगा हमदा सा पर हूं नहीं रहा हूं तो मैं एक बंदा भी मार बैठा हूं अनवर को छड़ दो इसलिए असलम कदम मैं किया वे सबूत चाहते हो 13 लाख साल जिद गोलियां चलिया सन हाली भी एदी तो कर बैठा रमजू मैं कोई जुर्म नहीं किया यार मेरी जगह से तू भी होता तो ही कुछ कर तो अपना नहीं तो पिछलिया का ही कुछ सोच लेना सी मैं कभी भी कोई काम सोच के किया मेरे भी अकल ही कोई नहीं नाले अकल वाले कदों किसी ने काम आए अल्लाह थानेदारा मुंह मैं हाथ करी ला दे सबूत मैं तुम दे बैठा पिता कर लो इन रमजू ओए तू तो अपना फर्ज अदा कर लिया पर जेड़ा कर मेरे सिटे चार चलिया मेरी तो हसीयत ही नहीं कि मैं ला सकां ओए चलिया तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं किया मैं तो एक औरत से जुलम हुंदा वेख्या एक जनानी के हाले सुने तो मेरा दिल कंब गया ओए जे कतल कर ही बैठा सा तो तैनू इत्थे नहीं सी आना चाहिए मैं तो बेगुनाह सा जिदा मेरे रब नूं ते पता सी तू पराई अगर क्यों पिया एक बारी बाली ने भी यो आख्या कि पराई अग नहीं पैना चाहिए अज बाली ने यह आख्या कि किसी डुबदा वेख के बचा लेना चाहिए बस तू इना करी दोस्ता मेरी मां ते भैन इतलाह कर दे घरों भैन का जेवर खरीदना आया सा इस पैसे वाले की दुनिया में चैसा गवाचा कि वापस जान की राह नहीं लभी ओदा जेवर तो खरीद नहीं सकया पर दिल के हथों मजबूर होके वह गया जरूर खरीद रहा जरा सिर्फ मर्दा के हाथ भी चाहिए ये भी सोचनी है बानो मैं तो कहनी हूँ वापस चले चलो अब्बा जी अनवर भी अदालत आया होना तो वह यार भी कातल बन के उठे खलोता होना है जिन्हें मेरी इज्जत बचाने ली रहा जाने फांसी का फंदा अपने गल च पा लिया गल तो ठीक की बानो यदि थां ते तेरा सक्का भरा भी होंगे वह भी तेरे नाल इतना करी अगर किस चंगी मां का पुत्र है मैंने तेरी कसम बानो मैं अनवर के मामले तेरे आखे कभी ना लगता तो असलम का कातल भी उसे नहीं समझता जे कि पेंडू अपने जुर्म का इकबाल ना कर लेंगे खाली दुनिया चंगे लोगों तो खाली नहीं हुई अब्बा जी मैं तुम कहती नहीं सा कि पैसा दुनिया च कोई चीज नहीं है तू ठीक कहती सतीए
मैं हूं इस नतीजे से पहुंचा कि औलाद दी गलों मापिया सुट नहीं देना चाहिए। मैं उस पेंडू की मां मिले, मैं उसके पैर धोत के पिया। अच्छा असं अदालत चलने अगर उसे कोई लवैक आया हो तो सू मिल जाएगा। मुल्ज़िम रमज़ू वल्द अब्दुल्ला हाजिर हो। तू आवाज दिती सी भरा ते हुण कहना एक तारीख पै गई है। अदालत बर्खास्त हो गई है माई, रमज़ू वल्द अब्दुल्ला का केस कल पेश होगा। असि अज रात कितने गुजारेंगे? शहर च साडा जाने नाला भी कोई। मैं जो हैगी हां, तुसी अज रात साडे घर क्यों नहीं गुजारदे? तुसी रमज़ू की मां हो ना। तू कौन है धीए? मैं सेठ अब्दुल्ला की धी हाँ। इधर आना अब्बा जी, यह रमज़ू की मां है। जेल गई है रमज़ू मिलने। मैंने भी उठे लै जा। पर तानू होया की सी? कौन सी औरत? ये पूछने का वेला नहीं, मैंने रमज़ू को लै जा। बेजबान दीवे वाली मौत के फरिश्ते बन सकते ने, इंसान नहीं बन सकते। पुत्र कल तो अदालत जाई, तेरा जो जी चाहे तू कमी, पर इकबाल जुर्म ना करी। पुत्र सामने देख के कलेजे हाथ पै गई। उस वेले तेरे कलेजे हाथ क्यों नहीं दिता जो ऐसे पुत्र की मां पिंडा भार कर दिता सी? कल मेरी मां बन का हक हो लिया सही। जे हूं तू प्यो बनन की बोली सीख गया तो मैं इस बारे जुर्म जरूर करांगा। नीतू में तकदीर बन के पुखे देख रहे थे कि गले पैना जे नेकी करके पछताना ही सही तो फिर ऐसी नेकी करन का की फायदा? पछताने नी मातम पे करनी हाँ। ना तेनू कुछ पता सी ते ना मैनू कुछ पता सी, ना तू जानती सी कि तू की कर बैठी है ते ना मैं ही जानती सा कि मैं की कर बैठी हाँ। अपना दुपट्टा ला के मेरा गल कुर्ती मैनू फांसी दे दे। अल्लाह की कसम मेरा सब कुछ लुट गया, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऑर्डर ऑर्डर मिलोर्ड जनाब वाला, किसी ने वकील ते किसी बहस की लोड़ नहीं। ना कागज थोलिया कुछ लभना जे ते ना इन्हां किताबों के वरके उल्टन नाल। अज मैं अपने जुर्म का इकबाल करन तो पहला अपने और जुर्म भी दसना चाहना हूं जिन्हों का कानून नहीं पता। सब तो वड्डा जुर्म मैं उस वेले कीता सी जदों मैं एक गरीब मां दे घर जमया था, ते दूसरा जुर्म मैं होश संभालण वेले कीती जदों मैं अपनी मां दी अखां विच कि मां तैनू जाणन वाला कौन है ते सानू पालन वाला कौन है जिहड़ा सानू भी यतीमी दे गया ते तू भी रंधे पापी कट ली। ते तीसरा जुर्म मैं उस वेले कीता वेले मैं अपने हल की हथी
दूजे की जमीन से रखी कैसे बंदे कपाह से कणक उगाई जिन्हें ना मदारा के तन से कपड़ा रह दिता है ना गरीबों के घर अनाज सरकार से चौथा जुर्म मैं उस वेले किया इस वेले मैं अपनी सारी कमाई लैके भैन के ब्याह का जेवर खरीदने शहर वाल तुर पिया इस पैसे की दुनिया में आके भुल गया इतने जेवर खरीदे नहीं जाते बेचे जाते हैं इतने इतना के जेवर बिकते हैं खैर तो गहने फरोख्त होंगे इतने सोने वर्गी शराफत कोटिया की मुल बिकती है तो हीरे वर्गी सच्चाई की बोली चौक चौक भी सीती जाती है तू कहना की चल कहना यह चाहना वा जनाब कि अगर तुम मैं इंसान का लव बहान की सजा देना चाहते हो तो इस कटारे में मेरा लव मुजरम क्यों नहीं खलोते हुए जड़े इंसान का लव इस तरह सुखा देंगे ये पिंडे बाहर नहीं टुरन देते मेरे नाल वो खामत क्यों नहीं खलोते हुए जेड़े दौलतमंद पंडे गरीबी कटन वाली बीवियों ने रेपा दे के घरों बाहर सुट देते मेरे नाल वो प्यू क्यों नहीं खलोते हुए जेड़े औलाद में यतीमी दे के अपनी हवस के सिरते नवे ब्याह का फेरा बन लेते मेरे नाल वो व्यापारी क्यों नहीं खलोते हुए मतलब तू असलम दे कतल दा इकबाल कर जनाबे वाला अदालतां ने मतलब ही कर दिया रहना ते इंसाना दे कतल होने की वजह भी लभनी जो पूछे ओदा जवाब दे जो मैं पूछा तुसी ओदा जवाब क्यों नहीं देते एक दूजे को कुछ ना पूछो हजूर ते सारे सवाल कठे करके मेरे मथे ते लिख दे ते उस वक्त का इंतजार करो जब आरा तेना सारी ना इंसानियां ने जवाब कठे देगी तू कौन है कुड़िए तुसी कौन हो जासा मैंने कुड़ी कहन वाले मैं औरत हां ते उस मरद दी मां वा जड़ा अस्पताल दे उस भूड़े विच पिया है जिदे ते पियू दा नाम नहीं लिखया हुंदा मैं औरत हां उस मरद की कातला जिदा खून है खुदा दस बंदा अपने चेहरे तमाल के अदालत खलोता है मैं औरत का जाथा ते किसी ऐसे मरद की थी ना जिन्हें मैं तालीम तो दी पर दौलत वाले की पछाण ना दसी जनाबे वाला मैनू असलम के कतल के जुर्म च फाए ला दो पर मेरी एक शर्त है मेरी फांसी के नाल कई होर फांसियां भी कट दो ते मेरे सामने एक एक करके उन्हें फांसियां ते ओ मर्द भी चढ़ा दियो जेड़े अपनी मां भैन की गैरत खांदे ने पर दूसरे की धी भैन उन्हें तरस नहीं आता जनाब आली मेरे नाल औरत दी उस मजबूरी नूं भी फाए ला दियो जेड़ी औरत दे मुंह ते कालक मलने वाले मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जनाब आली मेरी फांसी का फंदा पहले कानून दी उन्हें किताबों के गाली च पा दियो जेड़े कानून सिर्फ मर्दा के हक की फालत लई बनोए ने ते जिन्होंने औरतों को अपनी इज्जत की फालत का फौसला खो लिया जनाब आली मैं एक बारी नहीं हजार बार कहूंगी असलम की कातिल मैं वहां दौलत बैठे सबनों मैं मारिया एदियां हाथ कड़ियां खोल के मेरे हाथों में पवा दो जज साहब नहीं तो मैं दुनिया के सारे हक मुका दिया इस कुड़ी हाथ कड़ी मार ले वे मेरिया भरावा वे एक तू है जिन्हें अपनी प्यार करने वाली दे कहन ते फाए लगन तो दरेव नहीं कीता ते एक ओ सी जिन्हों कतल करन दी नेकी विच मैं भी फाए लगनी हां वे मेरिया भरावा अस्पताल चो मेरे बच्चे नू ललवी ते किसे पिंड च ले जाके गरीबी दे पोथड़ियां च पाली जे किसे दौलत वाले दे घर पलिया ते खबरे असलम मम्मू भी बेगैरत हो जावे उचिया मारिया से दौलत मंदी तेन मुबारक हो अब्बा मैं अपनी मां के भैन लैके पिंड जावगा पिंड जाने तो पहला अस्पताल जाके उस यतीम बच्चे चुकागा जिन्हों पालन का वादा मैं उसकी सजा पिटन वाली मां ने किया बागवाने तू ही समझा एडे तले के बाद खुदा भी माफ कर देता इन्हें क्यों नहीं किया सेठ जी असं दो भरा रल के तुम माफी दवा दें कहते तो कर्जा भी दवा दें पर तुम सामने के बाद वफा करो भी साढ़े को मकान का किराए उन्नी देर तक नहीं लाओगे जिनी देर तक असं दो भरा गुजर नहीं जाते आओ आओ तो नारे साढ़े रोटी टोक का बस्तोबंद कर दोगे देखो ना भी हूं गरीबों की जित हो ही गई है तो तुम साढ़ा हक क्यों मार लो हबीबा अन्न का हक नहीं मार ही दो
चुप करो, जो कहोगे वही हो जाएगा। तेरे सामने पहले जो बंदे नहीं रहे, ऐस गलती करो बालू देगी। रंजू चल भैन दे हाथे लग जा, माफ कर दे बाबा, हूं तो गुस्सा छड़ दे। चल गुस्सा छड़ दे पुत्र। मां मेरी एक शर्ती, पहले तू ते बास कुड़ी नूं अपनी नूं मान लवो, ते सारे मेरे नाल पिंड चलो। उत्थे जाके मेरे शायद याद दा वी ब्याह होगा ते मेरा भी। मैंने मंजूर है पुत्रा, इन्हां दा ब्याह करन तों पहलां मैं उस धी नूं डोली च पाणा चाहना जिहदा जेवर लैण तों शहर आया सी। इधर आ पुत्र, हुण सारियां मुश्किलां दूर हो गईआं। ओए अज तो बाद इस बिल्डिंग की मुख्तारी ढल दी, और तुम वादा करो कि अज तो बाद भीख नहीं मंगो। इंशाल्लाह हम दोनों भरा रल के रिश्ते मंगांगे। अच्छा भाई तुम इस गड्डी चलो ते असी अपनी गड्डी चलो। डंगा भैया मेरे टुटे भजे पावे सलामा लैके वाले बजदा दूरू देखिया दिल नहीं रजदा रमजू पौंदा हाड़े को सुन दे सारे बलिए चल पिंड नू चलिए बलिए चल पिंड नू चलिए लूलू प्यार दा तूंबा बजदा दूरू देखिया दिल नहीं रज